अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो यार देखें, आज तो थोड़ा सा भी धूप का निशान भी नहीं है। कितनी आज इतनी ठंड हुई हुई है ना, सर्दी, हमारे जानवरों का बुरा हाल हुआ हुआ है। देखें कितनी सर्दी हुई हुई है, वो है धूप हो रही है और इतनी सर्दी, हमसे नहीं रहा जा रहा। इन बेचारे परिंदों का क्या हाल हो रहा होगा। अभी तो फिलहाल हमारे बिल्कुल ठीक है। देखें, मैंने पीला बल्ब भी जला दिया गर्माइश के लिए, ताकि इन्हें गर्मी थोड़ी लग जाए, सर्दी ना लगे ना। बाकी तो हमारे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने वो जो छोटे चिक थे हमारे, वो जो आपने कल देखे थे परसों, चिंटू थे, बाकी कुछ मुर्गियां वगैरह थी छोटी छोटी, वो हमने दे दी थी किसी को। हमने कहा मन ना जाए ऐसे किसी को दे दे, चले वो पाल लेगा वहाँ पर। और बाकी यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पैरट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। देखें एक चाइना डब यहाँ पर बैठी है। देखें गर्मी है अंदर यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि बल्ब चलाया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पर हीटर लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 3 से 4 घंटे हीटर चलेगा ना, यहाँ पर भी गर्मी हो जाएगी थोड़ी। ये देखें हीटर चला देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर भी थोड़ी गर्मी हो जाएगी। इसे नीचे उतार देता हूँ, चलो भाई नीचे उतार दे सर्दी, तो मुझे करंट ना लगे। हीटर मैंने रख दिया, लेकिन इसके देखे तार अगर लगाऊंगा तो मुझे इनक्यूबेटर की तार उतारनी पड़ेगी। और इनक्यूबेटर में मोर देख लेते हैं, शुक्र है हमारा मोर अभी तक बिल्कुल ठीक है। रात को भी बिल्कुल ठीक था, हमने इसे दाना खिला दिया था। चले यार हीटर मैं ला के थोड़ी देर में आकर लगा दूंगा। अभी यहाँ पर हमारे अंडे इनक्यूबेट हो रहे हैं, अभी यहाँ पर ठीक है, 5-10 मिनट बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं। उससे पहले हम इन्हें दाना वगैरह डाल देते हैं, इन्हें दाना डाल के फिर हम लगाएंगे। दाना डाल लेते हैं, अपने पैरट्स को भी देखे कितना शोर में चाहे हुए, इन्हें भी भूख लगी हुई है। सबसे पहले इनकी डिश उतार देते हैं। यार देखिए आते जाते बाजरे का ना चूरा कर देते हैं। ये तुम्हारा नहीं है, ये ऊपर रखा है, ये यहाँ पर रख दिया मैंने। अब डाल देते हैं हम इन्हें, मैं डालता हूँ नीचे ताकि ये आराम से खा लें, लड़े ना। कुछ डाल देते हैं यहाँ, ये देखें यहाँ पर मैंने बाजरा वगैरह डाल दिया। अब बारी आ गई हमारी असील मुर्गियों की, अब हम इन्हें खोल देते हैं, क्योंकि इन्हें मैं डालता हूँ बाहर दाना। A few minutes later, दोस्तों इन्हें मैंने खोल दिया, वो एक ब्लैक मुर्गी हो रही, हमारा मुर्गा ये रहा। और ये यहाँ पर डाल देते हैं हम बाजरा, पीछे हो जाओ। ओहो तो यार देखिए कितने बेसब्री हो जाते हैं, ये डालने भी नहीं देते। एक इसमें डाल देता हूँ, एक इसमें, कुछ हम बस इतना बहुत है, क्योंकि अब हमने डाली इन्हें रोटी भी डालनी है, इसलिए इतना बहुत है इनके लिए बाजरा। दो में डाल दिया मैंने, अब खोल लेते हैं अपनी डेस्क को। 1 hour later, तो यार इन्हें भी पता नहीं क्या मसला है, अंडे दे देते हैं 15-16 दिन बाद उठ जाते हैं। 3 दफ़ा इन्होंने ऐसे ही कर लिया, बच्चे नहीं निकालते भी, तुम्हें मसला क्या आखिर? अच्छा भले अंडे इनको वेट करते हैं यहाँ पर, 3 से 4 दिन रहते हैं बच्चे निकलने में, उसके बाद उठ जाते हैं, पता नहीं इन्हें क्या मसला है। चलो खैर है, पता नहीं अब क्या कर सकते हैं हम। अब अपने डक्स को खोल देता हूँ, तो एक हमारा पिगल है ना, पिगल का एक यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी पता नहीं क्यों अंडे नहीं दे रहे। हालांकि वहाँ पर इन्होंने जगह बनाई हुई थी, देख सकते हैं आप, मैंने इन्हें यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर क्योंकि गर्मी है, वहाँ बहुत सर्दी थी। इन्होंने पता नहीं क्या मसला, यहाँ पर ही अंडे नहीं दे रहे ना, हमारे डक्स में भी अंडा देना छोड़ दिए। तो दोस्तों देख सकते हैं सारे बिल्कुल ठीक दाना वगैरह खा रहे हैं, ये वाले हमारे परिंदे बिल्कुल एक्टिव हैं जो हमारे बाहर हैं।
बाकी अब इंशाल्लाह ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस हमारा एक मोर इनमें थोड़ा सा वीक है, बाकी माशाल्लाह सारे बिल्कुल ठीक है। अब हम इन्हें रोटी डाल देते हैं, यार जो छोटे चिक्स होते हैं ना वो नहीं सर्वाइव कर सकते इतनी सर्दी में, बाकी सारे बिल्कुल ठीक रहते हैं। अब इन्हें मैं रोटी डाल देता हूँ, सर्दी है लेकिन रोटी भी इनके लिए ज़रूरी है। ये देखिए पहले इसका पानी वगैरह निकाल देते हैं रोटी का, तो देखें भिगो देता हूँ ना मैं रात को रोटी, अभी इसमें खाली रोटी रहेगी, अब हम इसे क्रश करके इन्हें डाल देते हैं। देख रोटी को मैंने इसमें डाल दिया, अब इसे क्रश कर देते हैं। तो यार अभी तो ये बहुत ठंडी हुई हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है सर्दी कितनी है, इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ना हम इसे इनक्यूबेटर में नीचे रख देते हैं ताकि ये थोड़ी गर्म हो जाए फिर ये खा लें, ऐसे इनके लिए बीमार भी हो सकते हैं, ये बहुत ठंडी है ये रोटी, ऐसे ही करते हैं इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं इनक्यूबेटर में, उसके बाद इसे करेंगे इन्हें डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं मैंने रोटी रख दी है नीचे वाली साइड पर, यहाँ पर 5 मिनट में ये बिल्कुल गर्म हो जाएगी क्योंकि बहुत अंदर गर्माइश होती है। हमने अपने मोर को निकाल लिया बाहर और माशाल्लाह पहले से बेहतर है हमारा मोर। अब मैं इसे पहले दाना खिलाता हूँ फिर उसके बाद इसे दवाई देता हूँ। देखें यार 2-3 दिन मैंने इसे दवाई दी है, पहले से बेहतर हो गया, नहीं तो ये गिर गया था, ये खड़ा भी नहीं हो सकता था। दवाई दिया हमने, खड़ा भी हो गया है और इसकी आँखें भी बिल्कुल इसमें खुली हुई हैं और चलता फिरता भी बिल्कुल ठीक है। बस ये जो हमारा मुर्गा है ना ये वाला, ये बहुत मारता है इसे, इसलिए हमें ना 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके बाद दोबारा मैं इसे इनक्यूबेटर में डाल देता हूँ। अब इसे दाना खिला के दवाई खिला देता हूँ, उसके बाद मोर को अंदर रख देंगे और अपनी रोटी निकाल के कुछ हम इन्हें दे देंगे कुछ हम बाहर दे देंगे। तो दोस्तों मोर को मैंने दाना वगैरह भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया और इसे दवाई भी दे दी। और यार इस मुर्गी का पता नहीं क्या मसला, जिस भाई से हमने ली थी उन्होंने कहा था कि ये अंडे देती है और मुझे लगा कोई जगह का मसला ना, इसलिए मैंने वहाँ पर एक वो भी रख दी, देख सकते हैं पेटी रख दी ताकि अगर इसने अंडा देना तो ये यहाँ पर आके दे लें। अब पता नहीं देगी या नहीं, उन्होंने सच बोला था झूठ, अब हमें क्या पता, उन्होंने कहा देगी हमने मान लिया। खैर अब हम अपने मोर को अंदर रख के अपनी रोटी निकाल लेते हैं जो हमने अपने दूसरे परिंदों को देनी है। दोस्तों रोटी तो गर्म हो गई है फुल, अब हम अपने मोर को डाल देते हैं अंदर और कुछ हम अपने मोर को रोटी भी डाल देते हैं, शायद की बात है ये खा ले, खाए तो इसी का फ़ायदा, अच्छी बात है। इसे मैंने अंदर बंद कर दिया, बाकी अंडे भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। और हमारे रैबिट्स देखें, ये अभी मुर्गियों के अंदर मैंने रखा था कि वो अंडे दे देगी, ये वो खा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं खा लो। कुछ हम यहाँ पर रख देते हैं इनके लिए रोटी, बाकी हमने डालनी है बाहर उन्हें। 4 जगह मैंने फिला दी और कुछ मैं रख देता हूँ ऊपर, क्योंकि हमारे बजरी भी बड़े शौक से खाते हैं ये, या इतनी इनके लिए बहुत है क्योंकि बाजरा भी इनका बहुत ज़्यादा पड़ा है, मैं रोज इतना ज़्यादा डाल देता हूँ इनके लिए बाजरा। अब रखते हैं हम अपने बाहर वाले इनके लिए रोटी, तो इनमें मैंने पहले पानी भर दिया था, पानी कर देता हूँ एक में, कुछ रोटी एक में कर देता हूँ इसमें छोटी में और कुछ इसमें बड़ी में। ये खा लेंगे हमारे डक्स और ये खा लेंगे हमारी मुर्गियाँ, अभी देखते हैं खाती है वो। देखें डक्स तो हमारी खा भी गई, मुर्गी भी हमारी बड़े शौक से खा रही हैं। इस मुर्गी को पता नहीं क्या मसला, ये अलग अलग फिरती रहती है, ये भी हमने नई मंगवाई थी, उन्होंने इसका भी कहा था कि ये रोज़ अंडा देती है, उसका भी कहा था, उसने सिर्फ एक अंडा दिया परसों, अब वो दे नहीं रही, पता नहीं उसे क्या मसला हुआ है। चलो खैर उसने एक तो दिया, इसने तो अभी तक एक भी नहीं दिया, अल्लाह करे दे दे, अब रोटी डाल दी, रोटी खा के ये दे दे, बाकी सब हमारे बिल्कुल ठीक परिंदे फिर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सारों ने दाना वगैरह खा लिया, पानी मैंने इनको ये केले भी डाले थे ये भी इन्होंने सारे खा लिए, डक्स ने भी खा लिए, पेजिंग ने खाए और हमारी मुर्गियाँ यहाँ पर अंदर आ गई हैं ऐसी, देख सकते हैं आप लोग। और मैंने ना यार वो जो यहाँ पर ही रखा था, अभी थोड़ी देर तो यहाँ पर मुर्गी बैठी रही है और देखे माशाल्लाह इसने अंडा भी दे दिया, ये दिया उसने जो हमारी नई मुर्गी आई थी,
चलो माशाल्लाह दे दिया, लेकिन ये भी हम इनको बैट कर देंगे। आज है थर्ड, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा है इसका अंडा। ये जो असील ने दिया था, ये दिया था फर्स्ट को। तो देखें, असील का छोटा अंडा है और इसका देसी का बड़ा अंडा है। तो कल हम इन पर डेट भी लिख देंगे। ये था फर्स्ट को रखा था और ये था थर्ड को। इंशाल्लाह इसमें से भी बच्चे निकल आएंगे। इनका रुख चेंज कर देते हैं हम। और मुझे लगता है यार ये पेजेंस के एग खराब हैं लग रहा है, लेकिन फिर भी 3 से 4 दिन चेक करते हैं, फिर इन्हें तोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता है ठीक है। और तुम कहाँ गए हो, इससे बाहर करते हैं। तो ये कर देते हैं अब बंद। दोस्तों ये था आज का मेरा ब्लॉग, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मिर्ज़ा ब्लॉग गैंग को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।